डेंगू और मलेरिया के बाद अब मुंबई करों को एक और बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मुंबई में आंखों की बीमारी की महामारी चल रही है। शहर के कई इलाकों में लोगों को इस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गीली आंखें, आंखों में सूजन जैसा आंखों का लाल होना इस बीमारी के प्राथमिक लक्षण है। आंखों का यह संक्रमण आमतौर पर सबसे पहले एक आंख को प्रभावित कर रहा है, फिर एक आंख से दूसरी आंख प्रभावित हो रही है। इसलिए डॉक्टर इस संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। इस बीमारी से पीड़ित संक्रमण लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चिकित्सा विभाग सलाह दे रहा है कि ऐसी स्थिति में मरीजों को बाहर जाने से बचना चाहिए। संक्रमण कुछ लोगों में आंखों में सूजन के कुछ लक्षण दिखा रहे हैं। विशेषज्ञों ने आग्रह किया है कि कोई भी घरेलू उपचार के भरोसे ना रहें, बल्कि समय पर डॉक्टर से सलाह लें। बचने के उपाय क्या हैं? आंखों को बार बार छूने से बचें, आंखों को लगातार साफ पानी से धोएं, जितना हो सके यात्रा करने से बचें, दूसरों से दूर रहें, आंखों को छुए बिना रुमाल का प्रयोग करें, ऑयली भोजन का सेवन ना करें, किसी भी घरेलू क्लीनर का उपयोग ना करें, घरेलू उपचार का सहारा लिए बिना समय पर डॉक्टर से सलाह लें।